दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों के खुदरा बाजार में एक किलो प्याज 70 से 80 रुपए में बिक रही है, जबकि थोक प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में एक किलो प्याज की कीमत 50 रुपए हो गई है। कहा जा रहा है कि नवंबर तक प्याज की कीमतों में उछाल बना रह सकता है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों के खुदरा बाजार में एक किलो प्याज 60 से 80 रुपए में बिक रही है और इसका असर आम लोगों पर दिखना शुरू हो गया है। एक बार में 2 से 5 किलो तक प्याज खरीदने वाला आम आदमी अब आधा किलो प्याज खरीदने से पहले दाम पूछने लगा है। व्यापार कम है, व्यापार ने गिरा के लोग बहुत यह है, एक किलो में लेता, पहले 2 किलो 3 किलो 5 किलो लेता, अब 1 किलो पूछता है, आधा किलो पूछता है, हमारे कुछ भी नहीं जमता है। बिजनेस कम है, कम व्यापार कम है, जो 10 रुपया 20 रुपया किलो था फायश था व्यापार, अभी 50-60 हुआ बोला तो आधा किलो 1 किलो लेता है, हमारे को बिजनेस कम है। कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा और दिवाली में मांग बढ़ने पर 1 किलो प्याज की कीमत 100 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं कारोबारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश से फसल खराब हुई है और थोक मंडियों में इसकी सप्लाई पर असर पड़ा है। यही वजह है कि प्याज की कीमत में उछाल देखा जा रहा है। थोक मंडियों में अगस्त महीने में 1 क्विंटल प्याज 2000 रुपए में बिक रही थी, लेकिन अब 1 क्विंटल प्याज का दाम 4500 रुपए है। वेजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन का मानना है कि अगर सरकार ने कीमतों को काबू करने के लिए जरूरी उपाय नहीं किए तो थोक बाजार में इसकी कीमत 7000 से 8000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुँच जाएगी और खुदरा बाजार में प्याज 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।